जय जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र खो जी, आज फिर एक वीडियो आया है हमारे सामने, हमारे एक भारतीय सेना के जवान जो कि अभी छुट्टी पर आए हुए हैं, यूपी अमेठी संग्रामपुर के, और पुलिस ने उनको उठाकर थाने में ले जाकर बंद कर दिया। सुबह से शाम तक उनको बैठा के रखा, ना खाना ना पानी कुछ नहीं दिया, और यहां तक कि वहां जो एक एसआई तैनात है, एक एसआई ने और एक मुंशी, वहां एक कोई लेडीज कर रही है, उन्होंने ये कहा कि जब फौजी ने बार बार कहा कि भाई मेरे परिवार वाले खाने लेके आ रहे हैं, कम से कम वो कम से खाना तो मेरे को खा लेने दो और परिवार से मेरे को मिलने दो, तो उन्होंने कहा कि फौजी चुपचाप बैठ जा, नहीं तेरी फौजीगिरी निकाल देंगे, तुम्हारी फौजी गिरी फौज में चलेगी या नहीं चलेगी। यहां मैं उन पुलिस वालों से कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी कहा है कि यार तुम्हारी क्या औकात है कि तुम फौजी को कहो कि फौजी गिरी निकाल दे, ये तो इस देश की विडंबना है। और कुछ मैं पहले ही बार बार कह चुका कि हमारे अफसर सिर्फ हमारे पर ताव दिखाते हैं, वो पहले वाला रूप भूल चुके हैं। अगर हमारे पहले जो अफसर थे बोलते थे ना, खच कर काम भी लेते थे, वेलफेयर भी देते थे, लेकिन शिवल में इस तरह का पंगा होते थे तो थाने में जाकर आप लोगों की बजाते भी थे। तो शुक्र करो कि वो अफसर नहीं है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सब तरह से सिपाही हमारा जवान हर जगह फंसता जा रहा है, इसलिए तुम लोगों की औकात है। नहीं तो तुम जो 10-10 रुपए में बिकने वाले लोग कहते हो कि तुम्हारी फौजगिरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश की सेना के ऊपर पूरी हिंदुस्तान को नाज है, और फिर उनको तुम ये शब्द बोल रहे हो। उनके साथ गाली गलौज किया गया है, उन्होंने वीडियो भेजा है, हालांकि मैंने कहा कि वीडियो में आपने ये चीजें बोली नहीं। बोला सर मैं क्या बोलूं, इन्होंने जो जो गालियां बकी है मुझे अपने मुंह से बताते हुए भी शर्म आती है। और फौज के लिए जो उल्टे आप शब्द कहे हैं, मैं हालांकि रक्षा मंत्री जी के द्वारा और बार बार सरकार को लेटर अवगत करा के हमने कहा है, उन्होंने कहा है कि एक सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है, जितने भी जिला सैनिक बोर्ड है उनके साथ एक सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें एक बड़े लेवल में अधिकारी बैठेंगे, सीएमपी रहेगी, जो इस तरह के मामलों में इंटरफेयर करेगी, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या उनके परिवार हो या वर्तमान सैनिक के साथ कहीं भी सिविल में इस तरह की जो दखल अंदाजी होगी उसमें वो डायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे। इस तरह का विचार सरकार कर रही है, लेकिन जिस दिन ये विचार हो गया उसके बाद तो हम बता रहे हैं कि इनका इलाज अच्छे से होगा। यहां जो सरकार की गाइडलाइन है, जो या आईपीसी धाराएं हैं, उनमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी फौजी को पुलिस इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना किसी संगीन जुर्म, बलात्कार, मर्डर या किसी की हत्या का प्रयास, इस तरह का किसी संगीन जुर्म के अलावा फौजी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर किसी ऐसी परिस्थिति में अगर संगीन जुर्म कर रहा है तब भी उसको इनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। और नॉर्मल केस या सिर्फ इनका घरेलू झगड़ा बताया जा रहा है कि सिर्फ लैटरिंग बाथरूम ये बना रहे थे, इनके चाचा से झगड़ा है, चाचा ने उठाकर फोन मार दिया क्योंकि चाचा के बगल में ही एक पुलिस वाले रहते हैं, वो आपस में चोंच मिलाई, बोले फौजी आया हुआ है, दरवाजे ही उठा देंगे, और थाने से आए और फौजी को बोले ठीक है थाने आओ, दोनों आओ वहां फैसला करना है। चाचा जी को छोड़ दिया और फौजी को बैठा कर रखा, बोले शाम तक इसको बैठा कर रखो और नहीं मानता है तो बोले इसकी तसल्ली कर देंगे, इस पर दुनिया भर के चार्ज लगा देंगे। हालांकि फौजी के फिर कुछ हमारे से संपर्क हुए, कुछ मीडिया से संपर्क हुए, लोकल मीडिया को वहां बताया गया, जब मीडिया वहां पहुंची तो तुरंत आनन फानन में फौजी को छोड़ दिया गया। बाद में एसपी कार्यालय में जाके उन्होंने लिखित में शिकायत भी दी है कि भाई मैं लेह ग्लेशियर में तैनात हूं, वो फौजी जहां ड्यूटी कर रहा है ना, यूपी पुलिस तुम्हारी हालत में कई बार देख चुका हूं, जब मैं रात में कहीं आता जाता हूं तो तुम सारा नॉर्मल सर्दी में रिजाई लेके ड्यूटी करते हो, और ये तो शुक्र है कि होमगार्ड है जो तुम्हारा काम चला रही है, नहीं तो तुम ड्यूटी भी नहीं कर सकते। तुम तो वहां ड्यूटी करते हो जहां थोड़ा इनकम होती है, वहां तो डंडे मारते रहते हो ट्रक वालों से कि कब इनकम आई, जब तक तो खड़े रहते हो, नहीं तो सारे की सारी ड्यूटियां तुम्हारी होमगार्ड कर रही है, तुम तो ड्यूटी लायक भी नहीं हो। जिस दिन ग्लेशियर में एक दिन टेक दिया जाएगा ना, मैंने सरकार से पहले भी अवगत कराया है
कम से कम जिससे इस जैसे खासकर ये यूपी पुलिस और जो दो चार स्टेट की पुलिस ज्यादा उछल कूद करती है ना, ज्यादा नहीं साल में इनको 1 या 2 महीने के लिए सेना के साथ ड्यूटी करा दो, इनकी सारी चर्बी निकल जाएगी और ये आम पब्लिक से भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। फौजी तो बहुत दूर की बात है, आम पब्लिक से भी ये रिस्पेक्ट से बात करेंगे। अगर इनको हर महीने सिर्फ साल में एक बार 1 महीने के लिए किसी फौज के साथ एंड ओवर कर दिया जाए, इनको पता भी चले जाएगा। ये बोलते हैं ना फौजी गिरी, और जो तुम्हारे वहां मैं फिर बोलोगे मैं गलत बोलता हूँ तो तुम्हारे बाप वहां बैठे हैं ना गली शेर में या चारों तरफ बॉर्डर जिन्होंने रक्षा कर देश को रोक रखा है, अगर उनके साथ तुम बदतमीजी करते हो जरा भी नहीं सोचते कि उन्होंने ढिलाई कर दी तो तुम्हारे यहाँ जो ड्यूटी तुम ले रहे हो ना बैठ कर दिखाते हो सिंघम मरते हो, वो सिंघम गिरी तुम्हारे पिछवाड़े में घोच देगा पड़ोसी मुल्क आकर। जो तुम कहते हो ना कि हमारी तो बहुत ड्यूटी हार्ड है, आज ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको साल साल भर होगी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, ऐसे ऐसे जगह में बैठे हैं आज चाइना से, और इनसे कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। लोग अभी कुछ दिन पहले कितनी बड़ी शहादत हुई है, ये बिहार रेजिमेंट से जवान है जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी थी, इनके कर्नल साहब और कितने जवान हुए थे, पूरा देश गमगीन था। और आज तुम उस जवान को जब वो आकर कहता है कि साहब मैं उस ग्लेशियर का छुट्टी से आया हूँ और मैं ग्लेशियर में हूँ बिहार रेजिमेंट का जवान हूँ, तो ये कहते हैं कि तेरी फौजी गिरी अपने पास रख। ऐसे हराम खोर को मैं कहता हूँ जब तक इन लोगों को परमानेंट कोई ढंग से सजा, जैसे कुछ दिन पहले भी एक फौजी के साथ गाड़ी के लोच और हाथ उठाया गया था, मैंने उस समय भी कहा था कि हमें वो उनको लाइन हाजिर करना या सस्पेंड करना कोई सजा नहीं, या तो जिस तरह फौजी में जो हाथ उठाता है उसको बराबर का एक थप्पड़ मरवा दो उसके मुंह पे, पता चल जाएगा जब ये थप्पड़ पड़ेगा ना फौजी का, आ जाओ रहा आमने सामने। जिस दिन बराबर का थप्पड़ पड़ा ना मैं बोल रहा हूं उठोगे नहीं, 4 दिन बुखार रहेगा तुम लोगों को। सराफत और फौजी जो डिसिप्लिन में रहता है उस डिसिप्लिन का नाजायज फायदा मत उठाओ, मत मजबूर करो कि कोई पान सिंह तोमर बने फिर तुम्हारे आगे पिछवाड़े में सारे में वो निकाल देगा। इतने अच्छे यूपी पुलिस ने बहुत इस समय कुछ पीछे अच्छे अच्छे काम किए हैं, और उन अच्छे काम पर ऐसे लोग जो पानी फेरते हैं, मैं चाहता हूं कि जो अच्छे अधिकारी हैं इन लोगों को पनिशमेंट दें। इनको बचाने के चक्कर में आप खुद पुलिस आपकी छवि खुद गिराती है। वो एक पिक्चर में सीन में सनी देओल ने कहा था ना, वो सही कहा था कि एक फौजी शहीद होता है तो लाखों आदमी जाते हैं नारा लगाते हैं, और एक पुलिस वाला अगर कहीं मरता है तो फिर कहते हैं कि जो फिल्मी डायलॉग था कि बढ़िया है एक हरामखोर घूसखोर मर गया, तो ये कमी किसकी है। अरे फौजियों से अगर देश की जनता प्यार करती है तो इसलिए करती है कि हमारे ईमानदारी हमारी जो काबिलियत है उसके लिए करती है। आप भी करो ना ईमानदारी करो, पहले हो सकता है आपकी पेमेंट कम थी या क्या था किस वजह से 10-10 रुपए खाना या चोरी करना किसी से लूटना ये काम अब तो छोड़ दो, अब तो अच्छी पेमेंट है। इतनी पेमेंट के बावजूद भी जो आपका पेट नहीं भरता तो भैया फिर तो वो ऊपर वाला देखेगा। जिद करते हो फिर इज्जत चाहिए तुम्हें फौजी की, और कारनामे तुम्हारे वही वो कुत्ते की पूंछ वाले की टेढ़ी सुधरेगी नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये इनका मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कहाँ के हैं, और ये जनपद अमेठी के है थाना संग्रामपुर। पुलिस कर्मियों द्वारा इनकी जो गाली गलौज हुई है, ये जवान का वीडियो भी है, मैं अभी थोड़ी देर में इसमें वीडियो भी डाल दूंगा, और इन्होंने एसपी साहब को जो लेटर दिया है ये लेटर भी इसमें डाल दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि एसपी साहब इस पर कार्रवाई करें, और जब तक ऐसे लोगों को कठोर सजा नहीं दोगे आपका डिपार्टमेंट आप अपने की वजह से ही बदनाम हो रहा है उसको ठीक करें, हमारा मुंह भी गंदा ना कराएं। फिर कहते हैं कि हम उल्टा बोलते हैं, हम तो जब इस तरह के हालात देखते हैं जब आप लोग कहते हो फौजगिरी निकाल दोगे, अरे फौजगिरी जिस दिन निकल जाएगी मैं बता रहा हूं कि पड़ोसी मुल्क आकर तुम्हारी बजा देगा। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जवान को इंसाफ दिलाएं। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। हरिद्वार जी, आप भारतीय सेना के एक जवान हैं, आप यहाँ कार्यालय पुलिस अधीक्षक क्या करने आए हैं? मैं
हरिद्वार ग्रामपुर कुंजन संग्रामपुर जनपद अमेठी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ ESP साहब से शिकायत लेके आया था। संग्रामपुर थाने में हमको बैठाया गया, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठाया गया है और प्रताड़ित किया गया है वहाँ पे। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैं एक लेटरिंग बनवा रहा था तो हमारे चाचा शिकायत करके उन्होंने ये 112 नंबर को बुलाया था। बुलाने के बाद हम दोनों थाने गए, जो कि काम में कार्य बंद कर चुका था, फिर भी थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद उन्होंने बैठा दिया, बैठा के हमको शाम तक बैठा के रखे, हमारे घर वालों से मिलने भी नहीं दिए वो। थाने में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार? हाँ, दुर्व्यवहार किया उन्होंने। मैं जब उनसे शिकायत किया कि हमको क्यों बैठाया जा रहा है, हम अगर हमारा कुछ कार्यवाही नहीं की जा रही है हमको छोड़ा जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ कार्य कर रहा हूँ, अभी हमारा हमको परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ मैं पेश सख्ती से पेश आऊँगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं फौजी हूँ, मैं भी ग्लेशियर में तैनात हूँ, सियाचिन ग्लेशियर में मैं तैनात हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपकी फौजगिरी निकाल दूंगा यहाँ पे, यहाँ ये हमारा ऑफिस है, आपका फौज का ऑफिस नहीं है। तो आप अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक कमेटी से करने आए? जी। किसी और से अपनी समस्या कही आप? मैं संग्रामपुर थाने में गया था, लेकिन उन्होंने दो बार, उसके बाद भी दो बार हमारे भाइयों को ले जा चुके हैं। अच्छा, आप DM से नहीं मिले? DM से मिला था मैं। कब मिले थे? आज मिला था। कब की घटना है जब आपको थाने ले गए? ये 23 अक्टूबर की घटना है।